हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अक्षय जायसवाल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जार टेस्ट, जिसमें हम फाइंड करेंगे ऑप्टिमम डोज ऑफ कोगुलेंट। तो पहले देख लेते हैं जार टेस्ट एपरेटस। तो यहां आप देख सकते हैं जार टेस्ट एपरेटस, जहां पे आपको दिखाई देगी इलेक्ट्रिक मोटर, इसे कहते हैं पैडल्स। नेक्स्ट है जार्स, जिनकी कैपेसिटी है 1000 ml। जार टेस्ट में होते हैं 6 पैडल्स, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देंगे 3 स्विच। फर्स्ट है पावर ऑन ऑफ, सेकंड है लाइट स्विच एंड थर्ड वन इज स्टीरर, जिससे हम पैडल्स का स्पीड ऑफ रोटेशन एडजस्ट कर सकते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट के बेस में दिया गया हुआ है एक लाइट, जिसके वजह से हम पानी को और इन फाइनर पार्टिकल्स को ठीक से ऑब्जर्व कर सकते हैं। जार टेस्ट के लिए हम लेंगे 6 नंबर ऑफ जार्स, जिनकी कैपेसिटी है 1000 ml, और इन जार्स को हम फिल करेंगे रॉ वाटर सैंपल से। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज कोगुलेंट। कोगुलेंट ऐसे केमिकल होते हैं जो पानी में ऐड किए जाते हैं, जिससे हम फाइनर पार्टिकल्स का सेटलमेंट आसानी से कर सकते हैं। तो देखते हैं कुछ कॉमन कोगुलेंट्स जो यूज़ किए जाते हैं फाइनर पार्टिकल्स का सेटलमेंट कराने के लिए। वो इस तरह से है, एल्यूमिनियम सल्फेट, एलम, क्लोरिनेटेड कॉपर एस, फेरस सल्फेट एंड लाइम, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड लाइम, पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम एल्यूमिनेट, हाइड्रेटेड लाइम, फेरिक क्लोराइड। तो चलिए देखते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल होता क्या है। सस्पेंडेड पार्टिकल का मीनिंग ये होता है कि जैसे वेलोसिटी ऑफ फ्लो, पानी का फ्लो अगर काफी धीमा कर दिया जाता है, तो इस वजह से कुछ पार्टिकल्स नीचे जाकर सेटल हो जाते हैं, और ऐसे पार्टिकल्स को हम कहते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स। तो पहले पता करते हैं कोलाइडल इम्प्यूरिटीज। कोलाइडल इम्प्यूरिटीज ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो काफ़ी छोटे साइज के होते हैं, जिनका कोई वेट नहीं होता, और इसी वजह से पानी में नीचे जाकर सेटल नहीं होते हैं। तो चलिए देखते हैं प्लेन सेडिमेंटेशन। प्लेन सेडिमेंटेशन का मीनिंग होता है कि जो पार्टिकल लार्ज साइज के होते हैं, इनका खुद का वेट होता है, और इस जिनका खुद का वेट होता है वो ग्रेविटी के कारण नीचे जाकर सेटल हो जाते हैं, और ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं प्लेन सेडिमेंटेशन। लेकिन जो फाइनर पार्टिकल होते हैं, उनको खुद का वेट नहीं होता, और इनका सेटलमेंट कराने के लिए वाटर में हम कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं, जिन्हें कहा जाता है कोगुलेंट। और कोगुलेंट ऐड करने के बाद ही ऐसे फाइनर पार्टिकल्स का सेटलमेंट इजीली हो जाता है। फाइनर पार्टिकल्स का सेटलमेंट कराने के लिए एक कोगुलेंट, जो कि बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है, जिसका नाम है एलम, वो पानी में ऐड किया जाता है, जिसके कारण फाइनर पार्टिकल्स के सराउंडिंग में एक लेयर फॉर्म हो जाता है, जिसे कहते हैं फ्लॉक। पानी में हमने ऐड किया है एलम सॉल्यूशन, जिसके कारण फाइनर पार्टिकल के ऊपर एक लेयर फॉर्म हो चुका है, जिसे कहते हैं फ्लॉक, और ये फ्लॉक आसपास के सारे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण इस पार्टिकल का वेट बढ़ता जाता है, और ये ग्रेविटी के कारण नीचे जाकर सेटल हो जाता है। तो चलिए अभी देखते हैं ऑप्टिमम डोज ऑफ कोगुलेंट। ऑप्टिमम डोज एक ऐसा डोज होता है जिससे हम वाटर के अंदर कम से कम केमिकल ऐड करेंगे, और जिससे हम मैक्सिमम क्लियर वाटर हासिल करेंगे, इसे कहेंगे ऑप्टिमम डोज ऑफ कोगुलेंट। ऑप्टिमम डोज ऑफ कोगुलेंट फाइंड करने के लिए हमें परफॉर्म करना होता है जार टेस्ट। एलम सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें लेना होगा 14.28 ग्राम
एलम का पाउडर जिसे हम डिसॉल्व करेंगे 1000 ml डिस्टिल वाटर में। एलम को हम पानी में ऐड करेंगे वो लिक्विड फॉर्म में, और एलम की जो क्वांटिटी हमें ऐड करनी है वो डिपेंड करती है वाटर की टर्बिडिटी पे। टर्बिडिटी पानी का जितना ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंगली हमें एलम का डोज वहाँ पे अप्लाई करना होगा, जिसके लिए स्टैंडर्ड नॉर्म्स प्रोवाइड किए गए हैं और उन नॉर्म्स को फॉलो करके हम एलम का डोजेज डिसाइड करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं एलम सॉल्यूशन जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, जिसे हम ऐड करेंगे इन जार्स में। तो चलिए देखते हैं एलम को किस तरह से यहाँ पर ऐड किया जाता है। इस केस में हम कंसिडर करेंगे, फर्स्ट जार में हम ऐड करेंगे 2 ml, नेक्स्ट जार में 4 ml, इन नेक्स्ट जार 6 ml, इन नेक्स्ट जार 8 ml, एंड अकॉर्डिंगली 2 ml का हम इंक्रीमेंट करते हुए एलम को ऐड करेंगे। इस स्टेप में सैंपल को करना है फ्लॉकुलेट। पहले 1 मिनट के लिए पैडल्स की रोटेशन स्पीड रहेगी 60 से 80 rpm, और इसके बाद इसे कंटिन्यू करना है 15 मिनट के लिए 30 rpm स्पीड के साथ। इसके बाद मशीन को स्टॉप करें, पैडल्स को बाहर निकाल लें और पार्टिकल्स का सेटलमेंट करने के लिए सैंपल को 30 मिनट के लिए रख दें। यहाँ हम सारे जार्स को चेक करेंगे और एक जार सिलेक्ट करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा क्लियर पानी दिख रहा हो। इस टेबल में आप देख सकते हैं मैक्सिमम क्लियर वाटर हमें मिला है आखिरी 2 जार्स में, लेकिन ऑप्टिमम डोज का मतलब होता है कम से कम केमिकल ऐड करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर पानी मिले। तो ये कंडीशंस हमें 10 ml डोजेज पर ही मिल गई है, इसीलिए 10 ml डोज को कहा जाएगा ऑप्टिमम डोजेज। जब हमें ऑप्टिमम डोज पता हो तो इससे हम वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए लगने वाली एलम की क्वांटिटी निकाल सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें सिंप्लीफाइड सिविल एंड जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।